हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता राजा ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो आज क्या था ना कि बच्चों का पीटीएम था स्कूल में, तो हम लोग पीटीएम के लिए आए थे। तो बस वही आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी, मेरे बच्चों का स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल। तो गाइस देखते हैं अभी, और आगे मैं लेती हूँ यहाँ का सीन। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। गाइज, आप लोग जो देख रहे हो वो मेरे बच्चों का स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। यहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, और आज था पीटीएम, इस वजह से हम लोग पीटीएम में आए थे। और सिर्फ जिया का पीटीएम था, हर्ष का नहीं था, और बच्चों को आना अलाउड नहीं था, इसलिए दोनों घर पे, मतलब सॉरी, जिया घर पे थी। हर्ष का तो आज स्कूल था, तो इसलिए मैं जिया को लेके नहीं आई थी, वो घर पे ही रुकी हुई थी, सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही था। और तो ठीक है गाइस, अब आप लोग आगे देख लीजिए स्कूल। गाइज, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है पीटीएम से आए हुए, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। तो मैं लंच पहले बनाई हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट हल्के फुल्के दिए थे, तो उन्हें लगी थी भूख, तो मुझे लंच जल्दी से रेडी करना था। तो आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि पीटीएम ना 8:30 से था मॉर्निंग में, तो हमें जल्दी जाना था। इस वजह से मैं घर का काम करके पूरा कम्प्लीट करके गई थी। और क्या बोलते भाई, बच्चों को ब्रेकफास्ट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दी थी, जैसे कि फ्रूट्स दे दिए थे, बनाना शेक वगैरह दिए थे ना, तो वहाँ से आते ही मुझे लंच तैयार करना था। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से लेट से बात कर रही हूँ। तो गाइस पता है मुझे, सचमुच में फ़ाइनली स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर जैसे बात किए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना टीचर और पेरेंट्स के बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, अगर टीचर भी हमसे फ्री माइंडली बात करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से ना वहाँ पे टीचर लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बात भी बहुत अच्छे से किए, हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार टीचर से मिल के, क्योंकि ऐसे भी 2 साल के बाद में पीटीएम हो रहा है, वो भी ऑनलाइन। तो हमने पहले अटेंड किए ऑनलाइन में, तो कुछ पता नहीं चलता था। तो अभी फाइनली 2 ईयर्स के आफ्टर में जो हमने पेरेंट्स मीटिंग अभी अटेंड किया है ऑफलाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस वजह से हम चाहते भी नहीं है कि हमारे बच्चे घर पे रहे, बच्चे घर पे रह के यार कुछ नहीं सीख पाते हैं, जितना स्कूल में बच्चे सीखते हैं ना, तो घर पे रह के तो सचमुच में कुछ नहीं सीख पाते हैं। स्कूल जाने से क्या है, टीचरों के सामने बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, क्या बच्चा अच्छा सीख रहा है, क्या बुरा सीख रहा है। अच्छा सीखने में बहुत अच्छी बात होती है, अगर कुछ बच्चों के अंदर गलत चीज़ आता है तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है। तो यही सब चीज़ ना बच्चे घर पे रह के बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। तो रियली स्कूल ना बहुत अच्छा होता है, अगर खुल चुका है कितनी अच्छी बात है। अभी जैसे कि कोविड-19 फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ ना कि बच्चे को हम लोग अगर अच्छे हेल्दी खाना दो, हेल्दी रखो, तो सचमुच में बच्चे ना बीमार नहीं पड़ते हैं। तो अपने बच्चों पे हमें एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि बच्चों को हमें अच्छे से रखनी चाहिए, है ना।
और रियली मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा, टीचर से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पापा की ड्यूटी है इस वजह से वो लोग यहाँ अच्छे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं। ये अपने पापा पे बच्चों को तो प्राउड फील करनी चाहिए। थैंक यू मेरे हस्बैंड को, मतलब क्या है कि वो आर्मी मैन है तभी हमारे बच्चे ना आर्मी स्कूल में पढ़ पा रहे, नहीं तो कैसे पढ़ते यार, नहीं पढ़ पाते। और सचमुच में स्कूल बहुत अच्छी है, ये नहीं कि स्कूल को देख के मैं अच्छा बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। वो तो अब बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन रियली वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, किसी बच्चों में मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन सा बच्चा पीछे क्लास में, जैसे होता है ना कि कोई बच्चे टैलेंटेड ज़्यादा होते हैं तो किसी किसी स्कूल में क्या होता है ना, जो टैलेंटेड बच्चा होता है उसे आगे लेके चलते हैं और जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं ना उसे पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चों को ना कभी भी एक जैसा समझना चाहिए, चाहे वो टैलेंटेड हो चाहे वो वीकनेस बच्चा हो, सभी को लेके अगर टीचर एक जैसे समझते हैं ना तभी बच्चा ना सक्सेसफुल हो पाता है ना। तो गाइस आज मैं ज़्यादा नहीं व्लॉग बनाई नहीं, लेकिन यही मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल का एक छोटा सा व्लॉग है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है ना तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर। और गाइस अभी मैं दोपहर से एक व्लॉग स्टार्ट करूँगी जो आगे आपको मिलेगा, ठीक है? ओके बाय बाय, टेक केयर।